टेक्निकल्स पर बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं उसके अलावा एक आ, ना सिर्फ टेक्निकल्स एक ओवरऑल मार्केट में जो मार्केट डेप्थ और जो साइकल्स हैं उस पर भी गौतम जी ने काफ़ी अच्छी रिसर्च की हुई है उनसे समझते हैं कि इस समय बाज़ार में कौन सी बड़ी थीम्स हैं मार्केट के लिए गौतम जी गुड मॉर्निंग निफ्टी में एक वन वे रैली इस महीने पिछले महीने के कंसोलिडेशन के बाद क्या अब हम तैयारी कर लें बीस से ऊपर और इवन बीस से इक्कीस हज़ार की गुड मॉर्निंग अनुज देखिए छह दिन में सब कुछ बदल गया क्योंकि छह दिन पहले हम यही बात कर रहे थे कि मार्केट हाँ। जा रहा है छ हफ्ता तक मार्केट एक रेंज में था लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी इसी मेच्योर करेक्शन हमने देखी और ये समझना जरूरी है कि मार्केट को छह हफ्ता लगा बीस हजार के आसपास से उन्नीस हजार दो सौ पचास दो सौ तीन सौ में जाने में और छह दिन लगा वापस बीस हजार के आसपास आने में आई मीन ये आपको बताता है कि कैसी बुल मार्केट में हम हैं और बहुत अच्छी सी स्लो uh, करेक्शन हमने देखी जहां पर स्टॉक्स ओवरबॉट हो गए थे वहां पर वीकनेस आई और जो स्ट्रांग थे वो तो स्ट्रांग ही चलते रह गए करेक्शन uh, के बावजूद सो so, अच्छा सा ब्रेकआउट हमने दो दिन पहले देखा उन्नीस के ऊपर और उस ब्रेकआउट के बाद चार्ट्स चार्ट्स काफी हल्दी हो गई मार्केट ब्रेथ काफी लाइट हो गई सेंटिमेंट काफी बेटर हो गई थी क्योंकि एक यूफोरिया बन गया था जुलाई के महीने में आई थिंक वो डाई डाउन हो गया जो जो हमने पिछले चार पांच हफ्तों में देखा तो अब जिस तरह का सेटअप है लग रहा है कि बाजार चलेगा बीस हजार इस बार आनी चाहिए और इस बार वो लेवल क्रॉस करनी चाहिए और बीस हजार चार सौ तक हम जाएंगे मगर निफ्टी में इतनी कोई बड़ी मूवमेंट आनी नहीं है क्योंकि हमारा टार्थ, वर्किंग टारगेट हमेशा बीस हजार चार सौ का ही है स्टॉक्स और सेक्टर्स अभी भी स्ट्रांग रहेंगे मार्केट में अभी भी कोई ओवरबॉल साइंस नहीं है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यही कंसर्न आ रहा है कि ये काफी चल गया तो ये अब रुक जाएगा पर जिस तरह की मोमेंटम है जिस तरह की लिक्विडिटी है जिस तरह की चार्ट है मुझे लग रहा है कि बीस तक हम धीरे धीरे जरूर जाएंगे और अच्छे सेक्टर्स अच्छे स्टॉक्स में रहिए जिसमें अर्निंग्स है पैसा इस लेवल से भी अच्छा बनेगा ओके okay. एक जो चर्चा हो रही थी वो हो रही थी गौतम जी बैंक निफ्टी को लेकर क्योंकि निफ्टी के ना चलने का एक बहुत बड़ा कारण बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस थी वहां क्या साइन बन रहे अब कि एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है खासतौर से एच बैंक आ, क्या वहां पर एक व्यू लग रहा है कि अब शायद ये एक अंडर परफॉर्मेंस खत्म होगी यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का इतना बड़ा वेटेज हो गया है ना कि वो थोड़ा सा भी चलता है तो वो निफ्टी को अच्छा सपोर्ट कर जाता है आई थिंक हमने ये पिछले दो तीन दिनों में यही देखा कि एच बैंक नीचे से थोड़ा चल गया चार पांच परसेंट चल गया तो उसके कारण बैंक निफ्टी भी चल गया और निफ्टी भी चल गया और लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी जो ब्रेकआउट होनी थी वो कन्फर्म हो चुकी है हमारा वर्किंग लेवल और आज भी हम ट्रेड कर रहे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से डेढ़ हजार से दो हजार पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में आनी चाहिए हमारा वर्किंग टारगेट 47,500 के आसपास है इट इज पोजिशनल टारगेट तो धीरे धीरे आई थिंक ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म होनी चाहिए और बैंक और आई टी एक साथ यू नो पूरे मार्केट को ऊपर ले जाना चाहिए प्राइवेट बैंक में तो देखिए तेजी लगती है बट इतनी बड़ी परसेंटेज टर्म्स में नहीं लगती है अगर एच डी एफ सी बैंक चार पांच परसेंट यहां से चल भी गया तो परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी तेजी नहीं है बट जो रियल सेगमेंट है जहां मुझे अच्छा लग रहा है वो है पीएसयू बैंकिंग सो so, पीएसयू बैंकिंग अपने लाइफ टाइम हाइस पे है एज एन इंडेक्स अगर आप अभी देखें तो और स्टॉक्स काफी अच्छे सेटअप हो चुके हैं एसबीआई देखिए कैनरा बैंक देखिए बीओबी देखिए और कुछ छोटे बैंक्स को देखिए गजब की सेटअप है मुझे लग रहा है कि जो दूसरे सेक्टर्स में जो मोमेंट आई है वो अब लग रहा है कि पीएसयू बैंक में आएगी जयम तो गौतम जी के शब्दों में पीएसयू बैंक्स का सेटअप गजब है अच्छा आपके आने से कुछ मिनटों पहले गौतम एक सेक्टर और स्पेस और जो कि मोमेंटम दिखा रहा है और वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स एट ऑल तो टाइम हाई क्लोज एट इट्स ऑल टाइम हाई गौतम आपका व्यू क्या है मेटल स्पेस कैसे अप्रोच करना चाहिए मेटल्स को दो-तीन ऑल-टाइम हाई पे जे एसडब्लू स्टील जेएसपीएल हिंदुस्तान कॉपर में काफी स्ट्रॉन्ग आया आपका व्यूप मेटल्स पर क्या क्या चीज करना चाहिए मेटल्स में जहां पे रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम आईटी जो सेक्टर हमारा टॉपिक रहा है पिछले एक डेढ़ महीनों में वो है मेटल्स आई थिंक हमने ये व्यू मेंटेन की क्योंकि अगर आप हाँ फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो एक महीना पहले ऐसा कोई ट्रिगर था नहीं जो जस्टिफाई कर सके कि मेटल स्टॉक्स अच्छे करेंगे बट अब जिस तरह की मूवमेंट आई है अब धीरे धीरे कुछ बात हो रहा है फंडामेंटल्स के बारे में बट चार्ड्स तो इसको चार्ट तो इसके एक डेढ़ महीने से ही अच्छे थे और अभी सात हजार का लेवल पे है ये मेटल्स इंडेक्स मुझे लग रहा है कि यहाँ से हजार से पंद्रह 500... पॉइंट की तेजी मेटल्स इंडेक्स में आनी चाहिए क्योंकि कई जो स्टॉक्स है वो लंबे कंसोलिडेशन से निकल रहे हैं अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल को हटा दें वो तो आउट परफॉर्मेंस रहे हैं और अच्छा करेंगे यहां से अगर आप टाटा स्टील को देखें नालको को देखें तो उसमें का, सेल को देखें तो आई थिंक हिंडालको ये सब स्टॉक्स काफी महीनों के कंसोलिडेशन में थे और ये लास्ट एक हफ्तों में इसमें अच्छी ब्रेकआउट आई है तो ये सारे स्टॉक्स में मुझे 15 से 20 परसेंट की अपसाइड लगती है तो उन्नीस 19, हजार के इंडेक्स में अगर आपको खरीदारी करनी है तो आईटी और मेटल्स में कीजिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छी है मोमेंटम अच्छी है अर्निंग्स टेलमेंट uh, uh, अच्छा है और ग्लोबल मार्केट सपोर्ट तो है ही मेटल्स पे बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू है गौतम जी का अच्छा गौतम जी एक और स्टॉक सिर्फ आइसोलेशन में मारुति की बात करूंगा कहने को ये स्टॉक बहुत चला लेकिन सही महीने में भी तो मई 2018 हाई का क्रॉस हुआ है एट एट टू आपका मारुति पर व्यू क्या है इस वक्त और अगर ऑटो में और भी कोई प्रिफर्ड पिक हो तो बताइएगा प्लीज देखिए ऑटो ओवरऑल बेसिस पे अच्छा लगता है बट देखिए आज के मार्केट में दो चैलेंज है अगर आप एप्सोलूट बेसिस में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ चल गया तो कैसे हम उसको लें मगर आप उसको अगर रिलेटिव बेसिस में देखें माने ऑटो इंडेक्स डिवाइडेड बाय द निफ्टी तो वहां हमने बहुत बड़ी ब्रेकआउट देखी है मुझे लग रहा है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये पूरा साल चलेगा ऑटो इंडेक्स में और सारे स्टॉक्स अच्छे करेंगे मारुति के बारे में आपने बात किया देखिए मारुति जो है ये जो दस हजार का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर था इसके लिए एज अ सप्लाई पॉइंट फॉर मेनी इयर्स तो इसने तीन चार बार कोशिश की वो दस के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था पर पिछले दो हफ्तों में जो हुआ है मुझे लग रहा है कि एक अच्छा जेन्युन ब्रेकआउट है और अब मारुति जैसा स्टॉक फाइव फिगर्स में कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए सो यहां से दस परसेंट की तेजी मारुति पे डेफिनेटली लगती है क्योंकि ये इतनी बड़ी ब्रेकआउट हुई है दो ढाई साल के बाद और इसके साथ साथ हमें बजाज ऑटो भी काफी अच्छा लगता है आई थिंक वहां पर भी ट्रेंड सुपर सॉलिड है अगर आप वीकली चार्ट्स और मंथली चार्ट्स देखें और टाटा मोटर्स तो हमारा फेवरेट रहा है मुझे अभी भी लगता है कि अगले 18 से 24 महीनों में ये स्टॉक चार फिगर का हो सकता है तो इसमें भी बने रहिए और कभी भी कुछ डिप पाइए तो उसमें एड कीजिए ओके मिड कैप्स में इस समय क्या अच्छी थीम्स लग रही है आपको गौतम जी क्योंकि दो तीन थीम बहुत अच्छी चलिए जैसे रेलवे डिफेंस

शुगर में हमने अच्छी ब्रेकआउट देखी पिछले चार पांच दिनों में और मुझे लग रहा है कि वहां पर अच्छी तेजी आनी चाहिए तो सारे जो टॉप स्टॉक्स है बलरामपुर हुआ अवध हुआ यू नो धामपुर हुआ डालमिया हुआ ये सारे चार्ट्स अच्छे हैं तो शुगर मुझे अच्छा लग रहा है फर्टिलाइजर स्पेस हमें काफी अच्छा लगता है सीमेंट स्पेस हमारे हमें काफी अच्छा लगता है और पावर आपने देखा पावर आ, दो में और वॉज वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स बीच में वो एक साल का कंसोलिडेशन में चला गया और अभी आपने रिसेंटली देखा टाटा पावर सी एस सी एनर्जी में अच्छी तेजी आई है और यहाँ पर पिकअप so, जैसा अभी, अभी, uh, okay, आप आपने बोला पागलपंती हो चुकी है या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली एडवाइजेबल है देखिए हम तो उसी वही स्टॉक्स में कंसंट्रेट कर रहे हैं जो पिछले तीन चार महीने में नहीं चले और जिसमें अर्निंग्स अच्छी है जिसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है जिसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो जो भी स्टॉक्स और सेक्टर्स मैंने कहा हम वहां फोकस कर रहे हैं जो स्टॉक्स काफी चल चुके हैं और जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं पूना वाला Tata. I think it is a great uh, uh, proxy to the to the mid cap story. इतनी बड़ी तेजी आई है अभी भी अच्छा लगता है but इस levels पे अगर आप profit booking करते हैं तो कोई खराब बात नहीं है Indian hotels थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं तो ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले एक साल से चल ही रहे हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और दूसरे सेक्टर्स में जाइए पर लार्ज कैप्स में जो एक स्पेस है जहां

चंद्रयान की सफल लैंडिंग जी ट्वेंटी का अगर आप देखें सफल समापन क्या व्यू बन रहा है इंडिया की तरफ देखिए इंडिया को अगर अभी समझना है तो इंडिया को रिलेटिव बेसिस में देखिए एब्सोलूट बेसिस में लगेगा कि इंडेक्स ने ज्यादा कुछ नहीं किया हम ठीक है उन्नीस के इंडेक्स पे हैं बस परसेंटेज टर्म्स में हमने कुछ स्पेशल नहीं किया बट अगर आप ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें कोई ऐसा मार्केट है ही नहीं विश्व में वर्ल्ड में जिसने ऐसी तेजी देखी पिछले तीन चार महीनों में तो एक इंडिया में एक स्टैंड स्टैंडलोन रैली है यूएस मार्केट से कंपेयर कर लीजिए एशिया से कंपेयर कर लीजिए आप देखिए सिंगापुर कहां पर है चाइना कहां पर है हांगकॉग कहां है ताइवान कहां पर है जापान कहां पर है और इंडियन मार्केट कहां पर है तो एक बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले दो तीन महीनों में देखी और ये आउट परफॉर्मेंस इज बैक बाय फंडामेंटल्स एंड लिक्विडिटी दोनों साथ साथ चल रहे हैं मार्केट के लिए अभी भी

सिक्सटी परसेंट रिटेस्टमेंट देखा अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होती तो हम ज्यादा नीचे जाते और फिर टर्न अराउंड करते वाकई महत्वपूर्ण बात अब कुछ देर में ये बातचीत जो है वो आप सी एन सेवास के अनुचर मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देख पाएंगे इस बातचीत के मुख्य अंश एक दो स्टॉक्स और लेके आते हैं और गौतम जी केमिकल बास्केट सी के फर्स्ट हाफ में मतलब थोड़ी वीक रही अब थोड़ी सी प्राइस हाइक की इंस्टेंसेस हैं स्टॉक्स मूव कर रहे हैं एसआरएफ टाटा केमिकल आप लोगों ने कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि लोअर एच पे पिक किया हाँ जी हमने पिक किया और हमने इसको स्ट्रांगली हाईलाइट भी किया है लास्ट वीक हमने अपना 40 पेज बिग पिक्चर रिपोर्ट रिलीज किया था हमारे क्लाइंट्स के लिए और उस रिपोर्ट में हमने एक कस्टम केमिकल इंडेक्स शेयर किया था तो क्या एनएससी आपको एक केमिकल्स इंडेक्स तो देती नहीं है तो हमने 10-15 स्टॉक का एक इंडेक्स अपना कस्टम इंडेक्स बना लिया और उस इंडेक्स में 18 महीने के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिली और उसके बाद हमने काफी अच्छी मोमेंटम पिछले एक एक हफ्तों में देखा तो मुझे लग रहा है कि केमिकल्स की रैली वापस आ चुकी है ये ड्यूरेबल लगती है सस्टेनेबल लगती है और यहां से केमिकल स्टॉक्स ओवरऑल बेसिस पे दस से पंद्रह की तेजी देनी चाहिए और ये ये समझ के चलिए ये सब स्टॉक्स

यहां पर कोई कोई आपका व्यू इस समय या इंडिविजुअल स्टॉक्स पर यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप एक बड़ी थीम है अनुज आई थिंक ऑटो एंसिलरी हमें अभी भी काफी अच्छा लगता है आई थिंक गजब की तेजी पूरे सेक्टर में आई और यहां से भी उसमें स्ट्रेंथ रहेगा अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक अनलॉक ट्रेड हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है और उसमें जो क्यूएसआर स्पेस है जैसे देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स सो सफायर तो हमने रेकमेंड भी किया था मुझे लग रहा है कि यहां से बड़ी तेजी ये दोनों स्टॉक्स में भी आनी चाहिए uh, मैं सवाल पूछ था एक्चुअली आईटी और फार्मा से रिलेटेड यहां पर कोई ट्रेड्स देखिए आईटी में तो आप लार्ज कैप में कुछ भी ले लीजिए उसमें पैसा बन जाएगा इनफैक्ट हम लोग ने ऑफिशियली टीसीएस रेकमेंड किया टेक टेक महिंद्रा रेकमेंड रेकमेंड किया किया लास्ट वीक हमने टेक किया, तो हमें ये तीनों स्टॉक्स सबसे अच्छे लगते हैं आई में फार्मा में थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि इंडेक्स काफी चल चुका है तो मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ज्यादा ट्रेड नहीं दे सकता हूँ आई थिंक आई बेटर रहेगा आपको और आपने आर सेगमेंट का भी जिक्र किया अच्छा बातचीत करते करते जो हमने मुद्दा छेड़ा था कुछ हैं आ, गौतम जी से डीएलएफ मल्टी ईयर हाई पांच सौ उनतालीस आपने गौतम जी ओबरा रियलिटी को देखा आपने डीएलएफ को देखा आपने गोदरेज मूव को देखा और रियल स्टेट एनसिली तो पहले ही सुबह

और बीएससी रियल एस्टेट इंडेक्स का अगर आप 2007 का हाई देखें, तो उसके मुकाबले मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं आई है तो पोटेंशियल टू राइज इज फार ग्रेटर देन पोटेंशियल टू फॉल हमारा भी व्यू रहा है क्योंकि 2021 में इसमें 10 साल की ब्रेकआउट आई उस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक अच्छे चले फिर पिछले छह आठ महीनों में उसने करेक्शन देखा और डीएलएफ जैसा स्टॉक यहाँ से 20 से 50 परसेंट चल सकता है अगर आपका लॉन्ग टर्म थोड़ा सा नजरिया है तो शॉर्ट टर्म में मत एक्सपेक्ट कीजिए बट अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डीएलएफ ब्रिगेड ओवरऑल रियालिटी जैसे स्टॉक्स काफी चल सकते हैं और जैसे मैंने कहा अगर आप बीएससी रियल स्टेट इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी तेजी, से से तेजी लगती है और, एक है। बहुत सालों ये जैसे और है, है जो 10 साल के बाद आई और जब वो आई तो उसने ओन कर लिया यू you नो know, उसने लीडरशिप लिया रियल स्टेट में यही हो रहा है और इट इज इट इज अ प्रॉक्सी टू द इंडिया स्टोरी द इंडिया शाइनिंग स्टोरी और अभी यह चलेगा okay.